बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर दो स्टार किड्स हैं जो बेहद हैंडसम हैं तो वो हैं आर्यन खान और यशवदन आहूजा, जिन्होंने 25 साल की उम्र में तमाम लड़कियों को अपनी कूल डूड वाली इमेज से खूब इम्प्रेस किया है, जिनके पास अब हॉट लड़कियों के रिश्ते भी आने लगे हैं। पर ये किसी से भी शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी कि दोनों आम लड़कियों से शादी करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है, पर इन दोनों को ही बॉलीवुड की एक अभिनेत्री से शादी करनी है जिसके पीछे दोनों पागल हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि आर्यन खान और यशवदन आहूजा बॉलीवुड के किस एक्ट्रेस से शादी करना चाहते हैं, पर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आर्यन खान और यशवदन आहूजा अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, पर इन्हें अक्सर इवेंट्स और शोज में देखा जाता है जहां पर ये काफी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। इनकी स्माइल इतनी क्लियर है कि बड़ी बड़ी उम्र की अभिनेत्रियां भी इन पर फिदा हो चुकी हैं, पर कम वक्त इन दोनों का दिल बॉलीवुड की एक ही एक्ट्रेस पर अटका हुआ है, जो कि और नहीं बल्कि काजोल की दिलरुबा बेटी न्यासा देवगन है, जिन्हें हर कोई पसंद करता है। जी हाँ, न्यासा इतनी हॉट और बोल्ड है कि 19 साल की उम्र में वो बड़ी बड़ी ग्लैमरस एक्ट्रेसेस को गुड लुकिंग के मामले में साइड कर देती है, इसलिए आर्यन खान को उनका हॉट अवतार बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके ये दीवाने हैं। आर्यन को हॉट बेब ग्लैमरस लड़कियां बहुत पसंद आती हैं और इसलिए ये न्यासा से शादी करने का मन बना चुके हैं। पर यशवदन आहूजा भी इस मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि इन्हें भी न्यासा से शादी करनी है। अफसोस, न्यासा इनकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, लेकिन कुछ समय पहले ही न्यासा से इनका ब्रेकअप हुआ है। पर यशवदन आहूजा आज भी न्यासा के साथ बिताए गए उन हसीन लम्हों को याद करके ये सोचते हैं कि इन्हें शादी करनी है तो न्यासा से ही करनी है, क्योंकि न्यासा से इनका दिल लग चुका है, भले ही वो कैसे ही क्यों ना हो। यशवदन को शादी के लिए न्यासा ही दुल्हन के रूप में चाहिए, पर न्यासा देवगन यशवदन की होंगी या नहीं, या फिर वो आर्यन खान से शादी करेंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, न्यासा इनमें से किसी अभिनेता को शादी के लिए चुन सकती हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।